ये आपको लोहे की मिलेगी, और जो डिब्बा है वो भी आपको लोहे का मिलेगा। ये सालों साल चलने वाला डिब्बा है। इसमें 1 इंची पाइप लगाते हैं, कहीं हम 1 इंची पाइप नहीं लगाते किसान भाई, हम 1.25 इंची पाइप लगाते हैं। और इसमें एक खास बात और है किसान भाइयों, एक साथ आपका खाद और बीज इसमें नहीं गिरेगा, ये खाद के लिए रोटर है, ये भी लोहे का लगा हुआ है, ये भी लोहे का। सभी किसान भाइयों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, आज हम जो आपके लिए सीड लेके आए हैं वो है 15 हाड़ की जीरा और इसब गोल बुआई की मशीन, जो डबल पेटी में है, जो खाद और बीज अलग अलग बोएगी। तो ये बहुत ही शानदार मशीन है, आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। डबल पेटी क्या, पहले तो आपको पेटी दिखा दूं किसान भाइयों। इसमें जो रोटर वगैरह लगे हुए हैं, ये खाद के लिए रोटर है, ये भी लोहे का लगा हुआ है, ये भी लोहे का। प्लास्टिक का जो डिब्बा आता है वो ज़्यादा, कहने का मतलब ज़्यादा आपका 4-5 साल यहाँ बाहर पड़ा रहे तो वो सूख जाता है, जल्दी टूट जाता है। ये सालों साल चलने वाला डिब्बा है, इसका ना तो कुछ खराब होगा ना इसमें धूप वगैरह में सूखता नहीं है किसान भाई। ये भी लोहे का मिलेगा, ये तो है खाद वाला। अभी बात करते हैं हमने पीछे वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स की, ये आपका बीज वाला जीरा और इसबगोल का। इसमें जो बीच में चक्री लगी हुई है वो एल्यूमिनियम की नहीं है और प्लास्टिक की नहीं है, ये आपको लोहे की मिलेगी, और जो डिब्बा है वो भी आपको लोहे का मिलेगा किसान भाई। डबल पेटी की सीड ड्रिल है। इसमें एक और खास बात है किसान भाइयों, सीड ड्रिल में जो मेन बात है, पहले तो आपको दिखा दूं, ये पीछे एक व्हील मिलेगा आपको जो आपका बीज और खाद गिरने के काम आता है। बीज और खाद का जो नाप है वो यहाँ पे दिया गया किसान भाइयों, खाद के लिए यहाँ पे नाप दिया गया है। इसमें पूरा मोटा रोड दिया गया आपका, पतला रोड नहीं दिया गया है। बॉक्स की जो शीट है वो 16 गेज मोटी पूरी शीट आपको दी जाती है, 16 गेज की शीट बनाते हैं, हल्की शीट नहीं बनाते हम। पाइप वगैरह आपको पूरा मोटा पाइप मिलेगा किसान भाइयों। इसमें 1 इंची पाइप लगाते हैं, कहीं हम 1 इंची पाइप नहीं लगाते किसान भाई, हम 1.25 इंची पाइप लगाते हैं, ताकि आपका बीज जो गिरे वो आपका कहीं चोक ना हो। पतली पाइप में चोक होता है, हम मोटी 1.25 इंच पाइप देते हैं। इसमें बीज निकालना इसमें आसान रहता है, बाकी बचा हुआ बीज आप ऐसे निकाल सकते हैं। और इसमें एक खास बात और है किसान भाइयों, जो आप सीड ड्रिल इससे बोगे, मान के चलो आप इससे जीरा बो रहे हो, तो इसमें जीरा और जो खाद बोगे साथ में, तो दोनों एक ही लाइन में और एक ही जगह पे नहीं गिरेगा, ना तो वो एक जगह पे दोनों मिक्स होके गिरेगा और ना एक ही लाइन में मेरी सीड ड्रिल में ये गिरेगा किसान भाई। इसमें मशीन की ये खासियत है, इसमें आपका खाद थोड़ा अलग साइड में पड़ेगा, कहने का मतलब दो उंगली साइड में आपका खाद गिरेगा और बीज आपका दो उंगली दूसरी साइड में गिरेगा, एक साथ आपका खाद और बीज इसमें नहीं गिरेगा। जिससे क्या होता है ना, जो आपका जीरा है या इसबगोल बो रहे हो उसकी जो उपजाऊ क्षमता है, कहने का मतलब जो अंकुरित होने का, बीज अंकुरित होने की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम इसमें 100% आप अपने मान सकते हैं, 100% आपका बीज इसमें अंकुरित होगा। और जिससे अपने खाद और बीज एक ही जगह पर गिर गया या एक ही लाइन में गिर गया, आगे आपका खाद गिर गया या उसी लाइन में पीछे आपका जीरा या इसबगोल गिर गया, तो उसका कहने का मतलब खाद की वजह से जो बीज है वो जलने की दिक्कत आती है किसान भाइयों। इस सीड ड्रिल में वैसी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मशीन की बुकिंग के लिए आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये दो ही किसान भाइयों हमारे नंबर है, इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। ये हमारा नाम है किसान भाइयों, ये हमारा लोगो है, संगरिया जिला हनुमानगढ़ में हमारी फैक्ट्री है किसान भाइयों। आप घर बैठे सीड ड्रिल मंगवा सकते हैं, जगह जगह पे हमारे डीलर मौजूद हैं, आप इन दो नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। कहीं हमारा डीलर होगा तो हम उसका आपको नंबर दे देंगे, अगर डीलर नहीं होगा तो डायरेक्ट आपको भेज के सीड ड्रिल आपको प्रोवाइड करवा देंगे किसान भाइयों। बुकिंग करवाने के लिए आप इन 9 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।